नन्नू, ये हमारा नन्नू भैया, ये देखे नन्नू भैया भी है। ओ रीति देखें, लेकिन ये भी देखें, हमेशा माइंड में ये रहता है कि रीति रीति दिखेगी। तो आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर तो देखी होगी, उसमें जो शूटिंग होती है जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है, यहाँ पे जीप सफारी के साथ साथ आपको यहाँ एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी काफी। ये देख, हमारी जो जीप की सफारी हुई ऊपर नीचे करते हुए, बिल्कुल हम लोग आया, ये कहाँ आ गए हम लोग। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सम विलेज में घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल मैं हूँ जैसलमेर शहर में, और जैसलमेर में ये हमारी होटल हमने ली है, बिल्कुल हनुमान चौक के पास में यहाँ पे हमारी होटल है। और आज हम लोग राजस्थान का डेजर्ट देखने के लिए जा रहे हैं, दूर दूर तक जहाँ पे रेती फैली होगी और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। सम गांव यहाँ से पास में ही है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो बने रहे मेरे साथ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के पास में यही हमारी होटल है, और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सम विलेज में घूमने के लिए। ये जैसलमेर शहर है और यहाँ से सेम ड्यूज़ की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, तो वहाँ पर हम लोग मज़े करेंगे, इन्जॉय करेंगे, सफारी करेंगे पूरी अलग अलग एक्टिविटीज़ की, तो बने रहें। हमारी गाड़ी भी हम लोगों ने कर ली है, इधर ये गाड़ी है, तो चलेंगे और इन्जॉय करते हैं और आपको पूरा बताते हैं दोस्तों। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर, और हमारी गाड़ी में बैठ गए हैं, और ये हमारे भाई साहब है जो आपका नाम बताएं, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र भैया है हमारे, और हमारे दो पीछे भी है जो जयपुर से है, तो आप लोगों के भी नाम बता दे। मेरा नाम सुनील मेहरा, और आप? कमल किशोर। तो दो भाई लोग इधर भी है और हमारे ब्रदर, तो साथ में चलेंगे सेम ड्यूज, और आपको पूरा नजारा पूरा इंजॉय जो जो हम लोग करेंगे वो आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये हनुमान चौक दोस्तों, तो दोस्तों देख लें आप, कुछ ऐसा भी नजारा होता है राजस्थान में। आप रेती देखें, लेकिन ये भी देखें, हमेशा माइंड में ये रहता है कि यार रेती रेती दिखेगी, लेकिन पानी भी दिख रहा है। इस बार अच्छी बारिश हुई, अच्छा खासा, अभी दो तीन दिन पहले यहाँ पे पानी आया है, इस कारण से ये पानी पूरा भरा हुआ है। वाह भाई, रोड पे पूरा कब्जा है, आप देखें। हाँ, हिल भी नहीं रही यार। नहीं। सम विलेज से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हैं, हमारी गाड़ी रुकी, और यहाँ से हम लोग करने वाले हैं जीप सफारी। यहाँ पे कई सारी देख सकते हैं आप जीपें खड़ी हुई हैं, इससे हम लोग सफारी करेंगे और आपको पूरा नज़ारा बताने वाला हूँ दोस्तों। बाकी ये दृश्य देखें यार, काफ़ी शानदार है। जो रोड है जैसलमेर से ही, हम जब सम गाँव के लिए जाते तो काफ़ी शानदार रोड दिखती है आपको, ऊँची नीची और बीच में रेती वगैरह थोड़ा सा। अभी तो इतनी रेत नहीं देखने को मिली, आगे देखते हैं किस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जीप सफारी के अंदर बैठ चुके हैं और अब मजा लेने के लिए तैयार है हम लोग। क्यों भाई लोगों, मजा है ना? तो अभी देखते हैं और आपको अच्छे अच्छे दृश्य बताते हैं। तो भाई लोगों, ये कहाँ आ गए हम लोग, हालांकि अभी रेती कम और हरियाली ज्यादा दिख रही है, लेकिन अब रेती आ चुकी है, देख सकते हैं भाई पूरा डिजर्ट। ये भाई साहब, भाई आगे तो ना। ये देखें दोस्तों, अब दिखेगा आपको पूरा डिजर्ट। ये देखें हमारी जो जीप सफारी है, अब तैयारी है, अब डिजर्ट के लिए आ गए उस क्षेत्र में और अब मजे आएंगे। ये गजब, ओरा भाई, ये देखें भाई रेती,
कैमल भी दिख जाएंगे आपको, और यहाँ पे पैरासीलिंग भी होते हुए। ओ कहाँ नीचे जा रहेगा? ओ ये उल्टा गले पोने को से। यहाँ पे जीप सफारी के साथ साथ आपको यहाँ एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी काफी। ये देखें, ये भैया क्या चार्ज है इनका? जैसे राइडिंग करेंगे, अच्छा जैसे राइडिंग करेंगे लगभग, मतलब फिर भी क्या जैसे राइडिंग कर। इस गाड़ी की बात करें अपन तो, कौन सी गाड़ी भैया क्या है? डेजर्ट कोट बाइक। और इस पे दो जने अपन बैठ सकते हैं और 1000 रुपये लगभग लगेंगे। 2 किलोमीटर भैया बता रहे हैं कि आपको घुमाएंगे। और कुछ पॉइंट्स वगैरह है ना भैया, क्या क्या पॉइंट्स हैं भैया? डेजर्ट का राइडिंग होता है, हाँ। ड्राइव करना चाहे वीडियो के लिए खुद भी कर सकते हो, अप एंड डाउन है, स्लाइड है, राइडिंग पॉइंट है। अच्छा, डेजर्ट का एडवेंचर होता है, सारा एडवेंचर आप इस पे कर सकते हो दोस्तों। तो यदि आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आ गए हैं यार हम लोग थार डेजर्ट में, देख सकते हैं यार रेती के पूरे बड़े बड़े टीले, और हमारी जो जीप की सफारी हुई ऊपर नीचे करते हुए बिल्कुल हम लोग आए यार। काफी डर लगता है जब एकदम इस टीले के नीचे जाती है जीप, काफी डर लगता है। मतलब शूटिंग भी हम नहीं कर पाए, मतलब कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि मतलब आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मतलब इस तरीके का एडवेंचर होता है, काफी मजा आया। और इधर देख सकते हैं तो पूरी जगह पूरा देख सकते हैं, डेजर्ट हमारा रेगिस्तान जैसे बोलते हैं, काफी शानदार। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं इन्हें देखें। तो दोस्तों ये था पूरा डेजर्ट, पूरा रेती का इलाका, काफी लंबा चौड़ा है। लेकिन जो मैंने सोचा था ना कि दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक अपने को रेती ही रेती दिखेगी, मतलब बिल्कुल जो रेगिस्तान होता है वो ऐसा मतलब देखने में नहीं आया यार। बस ये पूरा है, हम लोग आगे से आए लगभग 3-4 किलोमीटर, उस बीच में थोड़ा बहुत आया, बाकी इधर तो बिल्कुल प्लेन सा हो गया है बिल्कुल से। लेकिन बस इस क्षेत्र में जो है पूरा रेती के ढेर हैं। आगे बता रहे हैं भैया कि इससे ज़्यादा है, आगे की ओर जाना पड़ेगा, पर जहाँ घूमने वाला जो पॉइंट है ये तो इस जगह पे तो यही मेरे को लगा। और ऑल मज़े आ जाएंगे आपको दोस्तों। तो आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर तो देखी होगी, उसमें जो शूटिंग होती है जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है सलमान खान, तो उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी, इस जगह पे थोड़ा सा आगे ही उसका पॉइंट है। और यहाँ पे ये हमारे रेगिस्तानी जहाज यानी कैमल बैठे हुए देखो, आराम फरमा रहे हो, देख भी रहे हैं यार, वाह ये देख सकते हैं वाह। तो भैया ये ऊँट के बारे में कुछ बताएंगे, ये गुड़िया क्या, किसका नाम क्या क्या है बताओ? हाँ बताओ बताओ, ठीक ठीक जेठालाल, किसका नाम इसका? ये भैया हमारा जेठालाल है ना, किसका? नन्नू, ये हमारा नन्नू भैया। ये देखें नन्नू भैया भी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबके नाम भी हैं, ये देखें कोई जेठालाल है, कोई नन्नू है, और ये प्यारी प्यारी गुड़ियाएं भी है यहाँ पे। और अच्छा लगा, हाँ कौन है क्या है? हाँ बहुत बढ़िया। तो देखें यार छोटी छोटी गुड़ियाएं काफी अच्छा डांस करती हुई, ये देखें भाई। और ये अब दोस्तों ये हमारा रेगिस्तानी जहाज देख सकते हो, और हमारे भैया भी ये देखें हमें सवारी करते हुए ले जा रहे हैं, और बैठ गए भाई साहब आप देखें, काफी मजा आ रहा है यार। जब ये ऊँट ऐसा हिचकोले लेते हुए चल रहा है ना, तो उसकी अलग ही फीलिंग आ रही है, और इस पूरे डिजर्ट में। ओ भाई अब शाम हो रही है जैसे जैसे, तो ठंडक का एहसास हो रहा है, हल्की हल्की हवा चलने लग गई है, और यहाँ पे देखें तो आप सवारी करते हुए काफी बढ़िया माहौल। तो यार हमारे भैया ने ऊँट को दौड़ाया भी सही अच्छे से बढ़िया से, मस्त मजा आया यार। जो ऊँट दौड़ा तो मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, क्योंकि काफी अलग प्रकार से वो अनुभव था। तो दोस्तों अच्छा लगा कैमल राइड करके, काफी मजा आया, आप भी आए तो यहाँ पे आराम से कैमल राइड करिए। तो भैया ये है बबलू, ये है बबलू, और ये है शाहरुख खान, और शाहरुख खान, शाहरुख खान का देखो मुंडो को, ये देखा देखो, तो इन्हों इन पे ही हम लोग बैठे थे अभी। ये भाई
सेम ड्यूज देखने के बाद हम आ चुके हैं हमारे रिसोर्ट्स पे। ये देख सकते हैं आपको, ये हमारा मामा डिजर्ट। अंदर चलते हैं, कैसा क्या माहौल है आपको बताते हैं। अंदर चलते हैं, देखें दोस्तों हम लोग आ गए हैं अंदर। ऐसा स्वागत हो रहा है, बहुत बढ़िया सा स्वागत। पूरा हमारा रिसॉर्ट्स, पूरा रेती है यहाँ पर। वाह, ये देखें बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं अलग अलग कैंप बने हुए हैं और रूम वगैरह भी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे अच्छे अच्छे संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, काफी अच्छा एकदम राजस्थानी लोकगीत, बहुत ही बढ़िया। आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, रात का भी दृश्य देख ले। रात की 10:30 बजी हुई है और क्या प्यारा सा दृश्य है यार, एकदम शांति और सुकून है यहाँ पे। और खाना हमारा अंदर हो रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से खाना है हमारे पास, दाल बाटी और यहाँ पनीर की सब्जी है, इधर चूरमा है और ये क्या मिक्स वेज, ये इधर की कौन सी दाल है, अच्छा कड़ी है और चावल और इधर रोटी गर्मा गर्म। ओवरऑल फ्रेंड्स हमारा सारा चीज़ें हो चुकी है, डिज़र्ट सफारी से लगा के हम लोग कैंप में जो सारी चीज़ें हैं आपको मैंने वीडियो में बताया, बहुत ही बढ़िया है। एक बार आपको भी आना चाहिए यहाँ पे, आप आए और कहीं पे भी आप कोई सा भी कैंप करें सारी एक्टिविटी यही होगी, सारी सफारी, कैमल राइड वगैरह, जीप राइड और आखिरी में आप यहाँ पे आके कोई सा भी कैंप में एंजॉय कर सकते हैं और खाना पीना खा के ये पूरा टूर ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताइएगा, अच्छी लगे तो अपना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।